सभी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी आंगनबाड़ी वर्करों ने, हर राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों ने अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के आवास के सामने आप लोग गीता दीदी को खड़े देख रही हैं। यहाँ पे वे लोग ज्ञापन सौंप रही हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि यह किस प्रकार का वीडियो है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कल के तारीख में आप लोग देखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, आप लोग यह तस्वीरें देखिए, अन्नपूर्णा देवी के घर के सामने हमारी गीता दीदी खड़ी हैं, और आप लोग देखिए कि इनसे मिली हुई हैं। सभी आंगनबाड़ी वर्कर जाकर के मिली हुई हैं, मिल करके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं कि वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देने का काम कर रही हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को लेटर बता दूं कि लेटर में क्या है। देखिए आप लोग की आज दिनांक 8/8/2024 यानी कि कल जो है कि 8 तारीख के दिन अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कीर्ति समिति की मुख्य संयोजक कुमारी गीता और उप संयोजक मिस्टर राजेश महाराष्ट्र, राम सागर शाह बिहार के नेतृत्व में, चंपाबेन परमार गुजरात से, रामेश्वरी मेश्राम एमपी से, नीलम पांडे गीतांजलि मौर्य यूपी से, सुभद्रा ठाकुर हरियाणा से, सुशीला खत्री उत्तराखंड से, अशोक कुमार झारखंड से, यानी कि इत्यादि के साथ सभी केंद्रीय मंत्री महिला के साथ उन्होंने जो है कि और मंत्री जी के साथ अभिनंदन किया और वार्ता हुई। सेविकाओं सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी हर हाल में लागू हो, ग्रेजुएटी मिले, सही मोबाइल मिले, मोबाइल रिचार्ज का प्रति माह 300 रुपये मिले, मंत्री महोदया पुनः केंद्रीय सचिव और केंद्रीय डायरेक्टर जी से कीर्ति समिति की बैठक सितंबर में होगी। यानी कि आज उन्होंने बैठक की है और इसके बाद से फिर से सितंबर में मिलने की बात कही है। पुनः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद माननीय जगदम्बिका पाल से मुलाकात एवं अभिनंदन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी समस्याओं को संसद में प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए हैं। गीता जी ने खुलकर घोषणा की, सरकार अगर मांगों को पूरा करे अतः अक्टूबर 2024 में पुनः विशाल धरना प्रदर्शन होगा, आंगनबाड़ी कर्मचारी जिंदाबाद। आइए आप लोग पूरा वीडियो भी सुनिए कि पूरे वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक सुनिए और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। इसी प्रकार की आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, से आंगनबाड़ी करने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका संघ की अध्यक्ष सचिव, उन्होंने आपस में भी मिलकर वार्ता की और कुछ प्रण लिए हैं। आइए मैं आप लोगों को प्रण का पूरा वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी प्रधानमंत्री पद संभाले हैं इस देश का, लेकिन 1975 से बाल विकास परियोजना चल रहा है, आंगनबाड़ी चल रही है। हम लोग विभिन्न प्रांतों से हैं, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, राज झारखंड से है, एमपी से है, हिमाचल से है, लेकिन 13 लाख आंगनबाड़ी वर्कर हम काम कर रहे हैं इस देश में और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज देश से हम लोग कोरोना भगाने का काम किया, हमने जो 6 जानलेवा बीमारी था उसको भगाने का काम किया। युद्ध स्तर पर घर घर जाके, घर घर आज तक कोई मंत्री कोई एमपी किसी का कोई खबर नहीं लिया कोरोना का, लिए घर में बैठा हुआ रहा, हम लोग ने काम किया, लेकिन हम लोग पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। फिर हम लोग बार बार दिल्ली आते हैं, आश्वासन मिलता है ये करेंगे वो करेंगे, मोदी जी का लंबा लंबा भाषण चलता है, लेकिन वो भाषण से काम नहीं चल रहा, भाषण से राशन नहीं मिलेगा। राशन चाहिए, हमको जीने का अधिकार चाहिए। एमपी को पेंशन मिलेगा, एमएल को पेंशन मिलेगा, हम लोग जब 60 साल 65 साल काम करेंगे हम लोग को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना है सिर्फ हम लोग के लिए, नेता के लिए नहीं। आज से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया कि ग्रेचुटिया रिटायरमेंट दिया जाए, लेकिन अभी तक ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अवहेलना कर दी, अवहेलना कर दी, तो इसलिए इसका क्या ज़्यादा ही रह जाएगा मानी। हम लोग के नज़दीक उनका कोई तहजीब नहीं है और हम लोग जो है मांग उसको पूरा करें। मेरा नाम कुमारी गीता है और मैं बिहार प्रदेश से हूँ, और हमारी बहने बहनों का स्वागत है कि हम लोग मीटिंग रखा गया है ये अशोक जी के क्या कहते हैं नेतृत्व में। हम लोग
महिला बाल विकास मंत्री के समक्ष ये बात को रखेंगे। महिला है तो महिला है तो महिला कम से कम ध्यान तो रखेगी, ध्यान तो रखेगी। सभी राज्यों से लोग आए और यदि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने, महिला बाल विकास मंत्री जी ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो सभी प्रदेश के लोग मिल करके हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जवाबदार होगा। चलिए अगला बोलिए। हाँ ठीक है, और अभी अभी और बोलना है। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं सुशीला खत्री उत्तराखंड से। आज हम लोग सभी राज्यों से दिल्ली पहुंचे हैं और